हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्या हम नहीं सहेंगे? नहीं सहेंगे। और तू लगा दे जिसको फोन करना है, समझे ना? रहेगी, आप मुझे गाली मत दीजिए, ठीक है? क्यों नहीं दो तुझे गाली? बीजेपी विधायक के सिर सत्ता का बेतार, सत्ता के नशे में किया कर्मचारियों का बुरा हाल। पहले कर्मचारियों की पिटाई, फिर फोन पर गंदी बात। पहले भी भड़काऊ बयान दे चुके हैं ब्रजभूषण राजपूत। सूबे में इनकी सत्ता है तो जैसे हर अधिकारी इनका गुलाम है, जो भी ये कहेंगे इनका हुक्म बजाया जाएगा। यही हुआ जब चरखारी के पड़ बोले बीजेपी विधायक आगरा पहुंचे, सत्ता की ठसक मिलेगा कि उनके लिए स्वागत द्वार सजाए जाएंगे, उनकी वृद्धावाली गाई जाएगी और अधिकारी उनकी वंदना करेंगे। जब विधायक की मंशा के हिसाब से कुछ नहीं दिखा तो कर्मचारियों पर फिर पड़े और जमकर पिटाई कर डाली। आगरा के सर्किट हाउस में महुबा से चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने देर रात कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, विधायक ने प्रोटोकॉल सहायक को फोन मिलाकर गंदी गंदी गालियां और पीटने की धमकी दे डाली। हेलो, हाँ जी, हाँ विधायक चरखारी बोल रहा हूँ सचिन। हाँ हाँ, नमस्कार, बताइए सर, सचिन बोल रहा हूँ। नमस्कार सचिन, तुम किस पोस्ट पे हो? मैं यहाँ प्रोटोकॉल देखता हूँ सर। तुम तो ऐसे बोल रहे थे कि रात को जैसे कि तुम डीजीपी को फोन लगा दोगे, उसको सस्पेंड करा दोगे, करा लोगे? नहीं, मैं डीजीपी साहब को बता के तो कम से कम मैं ऊपर तक अधिकारियों को बता तो सकता हूँ कि एक पुलिस वाला एक सरकारी वो तो वो ठीक है, बता सकते हो। तुम जो कह रहे थे उस टाइम पे कि मैं वर्दी उतरवा लूंगा या है, तो तुम रात को, अभी मैं रात को फोन लगा लेते तुम रात को फोन? नहीं, तुम्हारे कर्मचारी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे विधायक को बैठा लेंगे तो उनको और ठीक नहीं करेंगे क्या? नहीं, ट्वीट करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं करेगा। बदतमीजी कर रहे हैं तुम्हारी, ये तो बदतमीजी भी हुई है ना, मार पीट रहे हैं। ये तो बदतमीजी, फोन तू लगा ले जिसको फोन करना है, समझे ना? विधायक जी, आप मुझे गाली मत दीजिए, ठीक है? क्यों नहीं तो तुझे गाली? नहीं, आप गाली गाली को किस तरीके से बात कर रहा था वहाँ पे आके, वहाँ बलात्कारी है क्या तू? कर्मचारियों की माने तो देर रात 3 बजे महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत सर्किट हाउस पहुंचे और उन्होंने तत्काल कमरा मांगा। कर्मचारियों ने कहा कि कमरा एटीएम प्रोटोकॉल के आदेश पर होता है और आप वहां सूचना दीजिए, कमरा तभी मिलेगा। जिसके बाद विधायक को वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। बस यही बात बीजेपी विधायक को नागवार गुजरी, जिस पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और अपने पुलिस गार्ड से उन कर्मचारियों को पिटवा दिया। 3 बजे आए थे सब। क्या बोले बाप? विधायक जी ने कहा था चाबी दो, हमें निकाल के नहीं। मैंने साहब, यहाँ पे कमरे सारे बुक हैं, मैं चाबी नहीं दे पाऊंगा, आप हमारे एडीएम साहब से बात कर लीजिए। उसके बाद साहब उन्होंने फिर अपने गार्ड को पिटवाया साहब। गार्ड जो थे उनको पिटवाया? हाँ जी। इस घटना के बाद सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर आगरा जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि अगर न्याय नहीं दिला सकते तो फिर हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा दिया जाए। आपने ऐसा, हमने अपनी परेशानी बताई और अपनी एप्लीकेशन दी है, ऐसा हमको या तो यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए और दूसरी जगह हमको कहीं भेज दो मर्जी। पता लगा आपको कहाँ के लोग थे? जी साहब, अपने आपको विधायक बता रहे, महुआ के राजपूत, उनको कुछ नाम बताया था उन्होंने। हाँ जी, एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं को अनुशासन में रहने का हवाला देती है, लेकिन बीजेपी विधायक लगातार अपनी तानाशाही से अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। आगरा से समाचार प्लस के लिए शिव चौहान की रिपोर्ट।